में एक दलित कौन है? चंद्र पासवान जी वह सत्ता तक लेकिन अब की बार गहिन तो आज कितना आगे। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार, आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त नेपाल कपिल वस्तु जिले में क्षेत्र नंबर 3 में है और इस वक्त नेपाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर प्रत्याशी अब पर्चा दाखिला करके और जनता के बीच में जाकर के वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे तमाम लोग हैं, बहुजन शक्ति पार्टी से स्थानीय निकाय चुनाव वार्ड अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं। सबसे पहले तो आप सतीश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन शक्ति पार्टी से आपने वार्ड अध्यक्ष चुनाव जीता है, आप चुनाव जीते हैं, क्या था आपका विशेष मुद्दा जो आपने जनता को अपने पाले में लेके आए? तो सबसे पहले तो आपको समाचार भारत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके बहुजन शक्ति पार्टी के तरफ से स्थानीय चुनाव में जो वार्ड अध्यक्ष का चुनाव हम जीते। मेरा असली मुद्दा था सदियों से जो ये बहुजन समाज का पिछड़ा समाज का शासन सत्ता में पहुंच से दूरी था, क्योंकि बहुजन समाज स्थानीय निकाय का मतलब होता है नेपाल में 3 तरीके की सरकार है, एक केंद्र सरकार, एक प्रदेश सरकार, एक स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार अपने आप में बहुत ही सक्षम और मजबूत सरकार है जिसमें वार्ड अध्यक्ष का अहम भूमिका होता है और जिसमें स्थानीय लोगों के हक अधिकार की बात की जाती है। तो जो स्थानीय लेवल का सुख सुविधा होता है, चाहे वो जन्मदाता से लेकर मित्र उसका जमीन से लेकर जायदाद तक, उसकी आधारभूत सेवाओं की जो संस्था है सेवा देने वाली, वो चीज स्थानीय निकाय में सीमित होती है। वो सदियों से बहुजन समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज ये वंचित रहता है क्योंकि वोट इसकी बहुत अधिक होती है लेकिन इसका वार्ड अध्यक्ष, इसका मेयर नहीं होता है। मैं उन लोगों की शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि हमारी यदि वोट है तो शासक हम ही होंगे, ये मेरी पहला प्राथमिकता था, पहला मुद्दा था। और जो अभी तक स्थानीय निकाय जो सेवा सुविधा देती आई है और जो साधन का जो बंटवारा है वो विभेदपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, तो ये मेरी पहला प्राथमिकता था कि यदि मैं आऊँगा तो जो स्थानीय निकाय का स्रोत साधन है वो बहुजनों के हित में जाएगी, उसकी लड़ाई हम प्राथमिकता से करेंगे। आज मैं कर भी रहा हूँ और मेरा जो भी योजना और कार्यक्रम है और जो निर्णय होता है बहुजनों के हित में है और समग्र समाज के विकास के लिए होता है, इसलिए वार्ड अध्यक्ष को फाइट करने में जीतने में। काशीराम साहब जी कहा करते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने देखा था नेपाल में, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे मेयर हो, कोई दलित बहुत एक दो कहीं चुनाव जीत करके जाते हैं। क्या कारण है जब आप चुनाव लड़े तो लोगों के प्रति आपके प्रति नजरिया क्या थी, जो यहाँ के लोग थे जिम्मेदार टाइप से उनका क्या सोच था? देखिए, मैं जिस जगह से चुनाव लड़ा ये बहुत ही राजनीतिक दिग्गजों का क्षेत्र था और लोगों के देखने के नजरिया फर्क थी कि ये जो है, इसलिए मैं चमार समाज से हूँ, इसलिए चमार समाज कोई वार्ड अध्यक्ष जैसे गरिमा में पद पे कैसे आ सकता है, इसको कैसे नमस्कार किया जाएगा और तमाम विडम्बना समाज में बहुत तरीके से अफवाह उड़ाई जा रही थी कि किसी भी हाल में इसको जीतने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे समाज की एक विश्वास थी, क्योंकि हम जहाँ से ताल्लुकात रखते हैं सदियों से इस क्षेत्र में दूसरे समाज की शासन सत्ता पे पहुंच था और उस चीज़ को हमने बहुत ही अपने कौशल के हिसाब से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, क्योंकि जब वोट हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए। तो क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे बहुल वोट बहुजनों का है और सदियों से ये बहुजन जो है इस यहाँ का जो शासक वर्ग है उस सदियों से दबा करके उसके आश्रम का शोषण और उसके बाद में सामाजिक शोषण और राजनीतिक शोषण तो सदियों से होता चला आ रहा था। खास करके जो ये पिछड़ा वर्ग है, बहुजन समाज है, इसकी गांव बस्ती तक जो विकास का दौर है, जो विकास पहुंचना चाहिए वो पहुंचने का जो तरीका था 5 वर्ष में, विगत में जो चुनाव हुआ, 5 वर्ष जो शासन सत्ता में थे वो उनके साथ दुर्व्यवहार पूर्व व्यवहार किए, वहाँ तक नहीं पहुँचाए। और इससे पहले वाले चुनाव में हमारे छोटे भाई चुनाव लड़े थे, 3600 से वो हारे थे, इसलिए उस चीज़ को हम किस कमी कमजोरी की वजह से हारे उसको हम तुरंत निरंतर लगे और समाज के लोगों को आगाह करते हुए, उनको जागरूक करते हुए आने वाले जो चुनाव हुआ उसमें हमने अपनी भावना, अपना विचार और लोगों को
शासक बनने का जो एक सपना है उनके दिल दिमाग में हम बैठाने में सफल हुए और वाराणसी। अब जिस तरीके से आपने वाराणसी का चुनाव जीता, अब लोगों को उत्सुकता और लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, इसी कारण है बहुजन शक्ति पार्टी से आप वाराणसी चुनाव जीते और बहुजन शक्ति पार्टी से क्षेत्र नंबर 3 सांसद का चुनाव अब लड़ा रहे हैं आप लोग रामचंद्र कोरी को, उनको किस तरीके से समर्थन आप लोग करेंगे? देखिए, यदि बहुजन शक्ति पार्टी जिसको टिकट दे, चाहे वो हमारे क्षेत्र के हो या हमारे किसी भी संसदीय या जिले से कहीं से पार्टी यदि हमको किसी को भी यदि उम्मीदवार बनाती है हमारे क्षेत्र से, तो हम उनको पूर्ण समर्थन करेंगे, क्योंकि हमारे पार्टी का विचारधारा समता समानता न्याय बंधुत्व की बात करता है और इस नेपाल राज्य में नीति कुछ और है, कानून कुछ और हो रहा है, हमारे समाज का नीतिगत शोषण हो रहा है और नीति निर्माण का जो पहला सीढ़ी है, शुरुआत है, वो केंद्र से होता है, प्रदेश में आता है, प्रदेश से स्थानीय निकाय में आता है, तो हम सबसे पहले नीतिगत सुधार करने के लिए हम अपने उम्मीदवार को, अपने पार्टी के उम्मीदवार को पूरा भरपूर समर्थन करेंगे और आगे भी अच्छा हम लोगों का प्रदर्शन पिछले चुनाव में रहा, इस बार भी प्रदर्शन रहेगा और हमारा उम्मीदवार किसी से कमजोर नहीं है और हम हमारा बहुजन समाज पूरे जोरदार तरीके से समर्थन करके उनको विजयी बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। हमारे साथ बाबू राम है, किस तरीके से आप लोग बहुजन समाज बहुजन शक्ति पार्टी का जो क्षेत्र नंबर 3 के प्रत्याशी है उनका समर्थन करेंगे और किस तरीके से किस रणनीति के तहत उनको चुनाव लड़ा रहे हैं? सर, हम लोग समर्थन करेंगे सर जी का, जो जैसे हम हमारे समाज के लोग सभी लोग कमजोर हैं, हर तरीका से कमजोर हैं धन बल से, तो हम जैसे इंडिया में मानवर कांतिराम साहब ने कहा था एक वोट और एक नोट, वही यहाँ हम लोग मतलब रखे हैं कि जितना ये यहाँ से उतौजहावर तक जितना हमारे समाज के लोग हैं सब लोग हम लोग 2,000, 5,000, 4,000, 1,000 तो जितना भी लोगों के पास होगा वो हम सबका सहयोग करके और उनको समान मतलब समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, आखिरी दम तक हम लोग उनका मतलब सब साथ देंगे सर। तो लगता है कि बिगुल आप लोगों ने बजा दिया है, बहुजन शक्ति पार्टी ने और बहुजन शक्ति पार्टी के वार्ड अध्यक्ष और आप लोग इतने सक्रिय कार्यकर्ता हैं कि क्षेत्र नंबर 3 सांसदी के लिए बिगुल बजा दिए। जिन लोगों का ये था कि दलित वोट हमको मिलेगा, अब आप लोगों ने अपने दलित पे वोटों पे कब्जा किए हैं, फिर उनका क्या स्थिति होगा? सर, हम लोग चाहेंगे कि मतलब सक भर जो हमारा वोट है, हमारा बहुजन शक्ति का बहुजन समाज का वोट है, सक भर जो है 100% हम जो है बहुजन शक्ति पार्टी रामचंद्र कोरी सर जो संसद के उम्मीदवार है उनको दिया जाएगा, उनको देंगे भी। तो बताया जा रहा है तो दारू और गोश्त पे वोट बिक जाता है, कैसे संभालेंगे आप लोग? सर, दारू गोश्त पे वोट तो बिकता है, ऐसा नहीं है मतलब हमारे समाज का खाली बिकता है, बिकता है सभी समाज का, लेकिन क्योंकि हम कमजोर हैं, गरीब हैं, तो लोग हमें बदनाम करते हैं। देखिए, इसके पहले जो इलेक्शन में हम लोग लड़ाए थे एहसान अहमद खान जी को लड़ाए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम दलित और मुस्लिम एक करके जो है चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। देखिए सर, जो भी हमारे साथ आता है सिर्फ हमारे दलित का वोट लेने का कोशिश करता है, अपना वोट नहीं लाता है, तो जब वो पराजय होता है तो हमारे समाज को बदनाम करता है और बेइज्जत करता है। ये दलित समाज दारू पे बिक गया और पैसे पे बिक गया और गोश्त पे बिक गया, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम कमजोर हैं इसलिए हम ये बेइज्जती जो है बर्दाश्त करते हैं। इसी में थोड़ा हम जोड़ना चाहेंगे, अभी ने आपने कहा कि दारू और गोश्त पे लोग बिक जाते हैं, लेकिन मेरा समाज साल भर 5 सालों साल अपने पैसे से पीता है और गोश्त खाता है, हमारा समाज गोश्त और दारू खाते पीते आया, बहुत मजबूत तरीके से लोगों को शुद्ध करता है, तो की बार अपना भी खाएगा दूसरे का भी खाएगा। बहुजन शक्ति पार्टी का क्या स्थिति रहेगा? अब बताइए, आप तो दो सांसदी का भी चुनाव लड़े हैं, आप विधायकी का भी चुनाव लड़े हैं और बहुजन शक्ति को आप यहाँ बहुत किधर आप कहे जाते हैं, अब आप लड़ा रहे हैं रामचंद्र कोरी को, किस तरीके से समर्थन रहेगा आप लोगों का? अब रामचंद्र कोरी जी का हमारा एकदम फुल समर्थन है सर। हाँ। आज विगत वर्ष से हम लोग 2070 साल से लगभग चुनाव लड़े के प्लान में आवा गए और लड़ा भी गए, सांसद के चुनाव भी लड़े हम, विधायक के भी लड़े, हमारा एजेंडा का है सर चुनाव लड़े से एक हमें जो भूमिका आवत है राजनीति में पकड़ बनत है वो हमें के चाहिए का, जैसे कि एक थरिया भात चाहे जे खात है, एक लोटा पानी पियत है, दो बच्चा पैदा करत है,
घर बना लेते हैं तो उसके बाद में यहाँ जो है जिंदगी अपन काट लेते हैं शादी ब्याह के क्या हमारा सोच का है कि हम ऐसा जिंदगी ना जिए कि एक थरिया भात खाए के एक लोटा पानी पी के और बाद में दो हाथ घर बनाए चार बीघा खेत खरीद के जिंदगी हमें ना बिता है। हम इंसान पन के यहाँ और इंसानियत के तरीके से हमारी दायित्व है कि अपने समाज के यहाँ जैसे भी चाहे धन से बल से मेहनत से कौनों भी प्रकार के ओकरे बाद मेहन आगे लेके आवे के काहे से कि अब हमरन के जोन चीज है सबसे अमूल्य चीज नहीं मिलत है सर। आज खाना खाए सबके घर में है, पानी पिए सबके घर में है, टॉयलेट बाथरूम सबके घर में है, लेकिन हमरन का जोन चीज नहीं मिलत है वो सम्मान नाम के चीज है, वो सम्मान हमरन के नहीं मिलत है। यह नाते से हमरन का सबसे जरूरी काम है कि सम्मान चाहिए। और सम्मान कैसे चाहिए, जब तक आपके राजनीतिक पकड़ नहीं रही, शिक्षा में भागीदारी नहीं रही, राजनीति में भागीदारी नहीं रही, तब तक आपका सम्मान न क्यों दिया है न क्यों दी। यह नाते से आज हमरे जो है रामचंद्र जी का यह क्षेत्र से उम्मीदवार बनावा गया है और उम्मीदवार बनाए के उनके साथ में साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाए के हाथ से हाथ मिलाए के और लोग इनका जुटाए के हम इनके भरपूर प्रयास है कि मान लिया जाए आज यह कपिलवस्तु क्षेत्र नंबर 3 के उम्मीदवार बनावा गया है तो उन्हें जितावे भी प्रयास करा जाए। दलितों को कितनी वोट यहाँ पर? दलित के सर हमारे यहाँ 402 गांव है, 402 गांव में यहाँ 24,000 समथिंग वोट हम इनके दलित के है। अब 24,000 दलित के वोट है जीते के लिए यहाँ पिछले बार अभिषेक प्रताप शाह जी हमारे यहाँ से चुनाव जीते रहे हैं 20,001 वोट पाए रहे हैं। अब 24,000 वोट खाली हमारे समाज के ही है, अब वे चाहा जाए तो सांसद बनी, लेकिन त्रुटि है का कि हमारे लोग इनके यहाँ थोड़ा जागरूकता पूर्ण रूप से नहीं दे पाएगा है, लेकिन जोन भी दिया गया है वो एकदम ठोस दिया गया है और निर्दय होकर दिया गया है। काहे से आज ही सतीश जी हैं चुनाव जीतने वाले अध्यक्ष के, हमहूँ चुनाव जीतन कार्यपालिका सदस्य में गए, तो अगर हमरे के लोग वोट नहीं दे नहीं तो जीता कैसे गए। तो यह नाते से आज एक सीट निकाल के वो पूरे टीम के साथ में सीट निकला है सर। ये ना है कि मान लो खाली सतीश एक लौटी जीते हैं, एक पैनल हमें के होता है, वो पैनल 4 सदस्य के, एक वार्ड अध्यक्ष के, एक कार्यपालिका सदस्य के, 6 लोग इनके टीम हमें के यह किसान नगर नगर पालिका से निकला है। इसे हमें के हौसला और बुलंद हो गया है। और यही खाली नहीं, यह है इलाका में एकदम सबके मन गदगद है, सबके मन गदगद है जो अपने समाज के लोग हैं कि कम से कम बहादुरगंज जैसा जगह पर रह के एक चमार के लड़का पूरा सीट पैनल निकाली सी ओकरे लिए बहुत जैसे चुनाव जीता गया है वो फेसबुक पे बधाई और बधाई दे मैंने बताई था रात में। क्या स्थिति होगा जो चुनाव जीत गए, सांसदी का क्या रणनीति रहेगा? अब देखिए सर, सांसदी का चुनाव है और सांसदी भी हम नहीं कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि सांसद भी हमारा यहाँ मजबूती से लड़ेगा और सांसद जीतेगा भी। क्या रहेगा स्ट्रेटजी आप लोगों का? हमारा सर सोच यही है, घर घर में जाकर, गली गली में जाकर बहुजन शक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जग है, हर घर में जग की नारा लगाएंगे और जग का पहचान दिखाएंगे हमारे क्या नाम है रामचंद्र कोरी जी को, पहचान भी बताएंगे कि हाँ हमारे ये ही है सांसद जी, यही कहकर हम जिताएंगे। तो देख सकते हैं बहुजन समाज की चिंतक और बहुजन समाज के जो संगठन है यहाँ, बहुजन शक्ति पार्टी के जितने भी संगठन हैं वो बहुत मजबूती के साथ क्षेत्र नंबर 3 रामचंद्र कोरी को चुनाव लड़ा रही है और इनका साफ कहना है कि यहाँ 24,000 वोट है और इन वोटों को हम दरवाजे दरवाजे पे जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे कि जिस तरीके से आप दूसरे समाज को वोट देते हैं और वो सिर्फ वादा पे वादा करके और चुनाव जीतने के बाद आपके दरवाजे तक के नहीं आते हैं, ऐसे में अब बहुजन शक्ति पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र कोरी को बहुजन समाज के लोग वोट दीजिए और जो भी अगर चुनाव जीतते हैं, आप चुनाव जिताते हैं तो जो भी हक अधिकार मान सम्मान और विकास शिक्षा स्वास्थ्य सड़क उसको सारा चीज करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। ऐसे में बहादुरगंज वार्ड अध्यक्ष सतीश निगम चुनाव जीते तो लोगों के अंदर भारी खुशियां देखने को मिला था, अब वही खुशियां बहुजन शक्ति पार्टी ने अपना प्रत्याशी क्षेत्र नंबर 3 रामचंद्र कोरी को बनाया और उसके बाद अब क्षेत्र नंबर 3 के बहुजन समाज में लोगों में काफी
उत्साहन है, काफी खुशियां हैं कि कम से कम हमारे समाज के लोग लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा और फिर समाचार भारत उन की रिपोर्टिंग करेगा कि आखिर में चुनाव उनका कितना माहौल बन रहा है और आखिर उनका स्थिति क्या है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, क्षेत्र नंबर 3, कपिलवस्तु, नेपाल।